22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं और जोरों पर है राजनीति भी। एक तरफ जहां कांग्रेस आरएसएस भाजपा पर समारोह का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल ना होने पर निशाना साध रही है। और इसी कड़ी में भाजपा के कई नेताओं ने सोमनाथ मंदिर उद्घाटन समारोह का जिक्र किया और कहा कि नेहरू खुद भी इस कार्यक्रम में नहीं गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी चिट्ठी लिखकर मना कर रहे थे। और इस तरह से एक बार फिर ये 7 दशक पुरानी घटना चर्चा के केंद्र में आ गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार क्विक रिकैप कर लिया जाए, क्या है सोमनाथ मंदिर और नेहरू की कहानी, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नेहरू राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कार्यक्रम में जाने से रोक रहे थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित इस मंदिर की चर्चा दूर दूर तक थी। वजह थी इसकी धन दौलत। हिंदुस्तान पर हमला करने वाले कई आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो था महमूद गजनवी। 1026 में गजनवी ने मंदिर पर हमला किया और सब कुछ लूटने के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया था। गजनवी के बाद भी कई बार मंदिर पर हमले हुए और इसे कई बार बनाया भी गया। ये सिलसिला रुका देश की आजादी के बाद। अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने की बात कही, लेकिन अधिकतर जनता ने इसका विरोध किया। नवाब को भागना पड़ा। सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे, रियासत के हिंदुस्तान में मिलने की घोषणा की, साथ ही एक बड़ी सभा में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की भी घोषणा की। जब इस बात की जानकारी गांधी जी को हुई तो उन्होंने सरकारी पैसे की बजाय लोगों के पैसे से इसका निर्माण कराने की बात कही। सब लोग सहमत हुए और KM मुंशी की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बना जिसकी देखरेख में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। जब तक मंदिर का काम पूरा हुआ, गांधी और पटेल दोनों का निधन हो चुका था। KM मुंशी ने मंदिर का उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निमंत्रण दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू इससे सहमत नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक चिट्ठी लिख नेहरू ने कहा, मैं ये स्वीकार करता हूं कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में आपके जाने का विचार मुझे पसंद नहीं। ये केवल एक मंदिर का दौरा करना नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होना है जिसके कई निहितार्थ हैं। अभी धर्म के आधार पर देश के बंटवारे को ज्यादा दिन नहीं बीते थे। दोनों तरफ खूब दंगे हुए थे। धार्मिक असुरक्षा की भावना उफान पर थी। नेहरू की चिंता थी कि अगर ऐसे समय में राष्ट्रपति इस समारोह में शामिल होते हैं तो इससे सरकार की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा होगा, इसके राजनीतिक मतलब निकाले जाएंगे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को ऐसा नहीं लगता था। उन्हें सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं लगा। पत्रकार दुर्गा दास अपनी किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि राजेंद्र बाबू ने नेहरू को जवाब देते हुए कहा, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूँ और खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। 11 मई 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग को स्थापित किया और वहां अपने भाषण में उन्होंने कहा, सोमनाथ मंदिर इस बात का परिचायक है कि पुनर्निर्माण की ताकत हमेशा तबाही की ताकत से ज्यादा होती है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और अगर इस तरह का कोई अवसर आता है तो मैं चर्च, दरगाह, गुरुद्वारे में भी जाऊंगा। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, नेहरू को लगता था कि नेताओं, अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर अपनी आस्था का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि सार्वजनिक तौर पर सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान होना चाहिए। ये दोनों नेताओं के अपने अपने विचार थे, दोनों की अपनी सोच थी, लेकिन ये आजकल के नेताओं की तरह नहीं थी। उस समय वैचारिक मतभेद से मनभेद नहीं होता था,
इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।